हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। डीएलएड में भी जो परीक्षा के 20 मिनट पहले प्रवेश होगा, जैसा कि दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि डीएलएड में भी जो प्रवेश होगा यानी परीक्षा के 20 मिनट पहले जो है प्रवेश कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर पेपर आउट होने के चांसेस वही रहते हैं। यानी कि डीएलएड की परीक्षा में भी 20 मिनट पहले प्रवेश, यानी कि टीटी की तर्ज पर परीक्षा नियामक ने बदली व्यवस्था, पेपर लीक घटनाओं से सबसे सबक लेकर किया बदलाव। यानी कि पेपर लीक घटनाओं से सबक लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब प्रशिक्षुओं को परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली जो परीक्षा है उसके 20 मिनट पहले यानी 9:40 बजे तक प्रवेश करना होगा। इसके बाद किसी सूरत में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा, चौथा, सातवां और आठवां प्रश्न पत्र सिर्फ एक घंटे का होता है और पहले, तीसरे, चौथे और सातवें, आठवें प्रश्न पत्र में के बीच में एक घंटे का अंतराल मिलता है, जिसमें परीक्षार्थी केंद्र के बाहर जा सकते थे, लेकिन इस बार इन प्रश्न पत्रों के बीच अंतराल आधे घंटे कर दिया गया है। और पहले 10 से 11 और 12 से 1 बजे के बीच परीक्षा कराई जाती थी, लेकिन इस बार 25 अप्रैल शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षा ये पेपर 10 से 11 और 11:30 से 12:30 तक कराए जाएंगे। खास बात यह है कि इस दौरान प्रशिक्षकों को कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी दोस्तों, किसी भी प्रकार की जितने भी एक पेपर से दूसरे बीच जो जो पेपर हैं जिनके बीच में एक से दूसरे पेपर के बीच में आधे घंटे का टाइम है, उसमें आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको तुरंत ही आधे घंटे बाद 10 मिनट आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा, उसके बाद 20 मिनट बाद फिर से आपका एंट्री, मतलब वही समझ लीजिए एंट्री ना 20 मिनट पहले, तो उसी तरीके से आपको आधा घंटे बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और पेपर दूसरा कराया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त मित्रों के साथ ताकि कोई गलती ना कर सके और 20 मिनट पहले हर हाल में सेंटर पहुँच जाए। ठीक है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।